हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा RVM के बारे में, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप डेवलप किया है और यह मशीन M3 मतलब मार्क 3 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। इसका मकसद उन लोगों से वोट डलवाना है जो दूसरे प्रदेश या शहर में काम करते हैं। जैसे मैं रहता दिल्ली में हूँ और जॉब बेंगलुरु में करता हूँ, मुझे वोट डालने के लिए दिल्ली वापिस आना पड़ेगा जिसमें मेरा समय और खर्च दोनों जाएगा। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते क्योंकि काफ़ी दूर होता है और दूर होने के कारण वे वोट डालने ही नहीं जाते। चुनाव आयोग का मकसद उन लोगों से वोट डलवाना है जो दूसरे प्रदेश में काम करते हैं। यह मशीन दूर स्थित 72 मतदान केंद्र को एक साथ संभाल सकती है। यह मशीन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगी, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गई आप अपने घर बैठे वोट डाल सकते हैं। नहीं, इसके लिए मतदान केंद्र बनाने पड़ेंगे वहाँ पर भी, जिससे वे लोग जहाँ पे जो काम कर रहे हैं वहीं पे जाकर वो वोट डाल सकते। चुनाव आयोग इस रिमोट EVM मशीन को 16 जनवरी 2023 को सभी 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और 57 राज्य राजनीतिक दलों के सामने पेश करेगा और उनसे इसके बारे में फीडबैक लेगा। इसमें कुछ चुनौतियां भी आएगी, जैसे कि उन लोगों को पता करना जो दूर प्रदेश में काम करते हैं, मतदान की कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखना, और जैसे कि ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा हमें वहाँ पे ही मतदान केंद्र बनाने होंगे, ये सब कैसे मैनेज होगा, ये सब चुनौतियाँ यहाँ पर आ सकती है। थैंक यू।